गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनोदर ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सो मॉर्निंग हो चुकी है स्टार्ट और फिलहाल हम जा रहे हैं न्यूट्रिशन कैफे, लेकिन पहले तो हेयर सही करने पड़ेंगे। बहुत समय से बड़े करने का सोच रहा हूँ, लेकिन जितना बड़ा हो रहा है उतना केयर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग बाल अपने बड़े करना चाहते हैं वो एक बात समझ लें कि बहुत मेहनत लगने वाली है केयर करने में। और जितने लोग बड़े बाल को संभाल रहे हैं उसको मेरा सलाम, क्योंकि इतना केयर करना अपना काम नहीं, अपने नहीं कर पाते इतना केयरिंग। अभी मैं सोच रहा हूँ बड़े बाल अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन कटवाना पड़ेगा, क्योंकि ये केयरिंग नहीं हो रहा है हमसे, आप समझ रहे हैं ना। डेली वो रिंग लगाना पड़ता है, डेली कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसका मतलब है नहीं हमसे संभला जाता है। अभी ये बड़े होने में समय लगेगा, तो देखते हैं। मेरा मोटिवेशन कम हो रहा है, चलो अभी न्यूट्रिशन केयर चलते हैं। माय गॉड, कितना पेज लग गया है, मेरी गाड़ी गीली गीली हो गई। माय गॉड, बाहर का दिख ही नहीं रहा है। सो फटाफट निकलते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। गाड़ी इतनी चिल्ड हो गई है वाइपर से, ये देखो ये गया, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। देखो आ गया। अभी फ्रंट वाला जो है वो भी स्टार्ट कर दिए हैं, फिर भी वापस आ रहा है। इसका मतलब बाहर से ही है, अंदर से तो नहीं, बाहर से ही है, लेकिन वाइपर मारने से भी नहीं हो रहा है। आज सूरज कितना मस्त निकला है लेकिन दिख नहीं रहा है। कितना शानदार व्यू आ रहा है, कहीं थोड़ी देर बैठ के या खड़े होके देखने के बाद मजा आ जाए। ऐसा सीन बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि सूरज उगता है तब हम काम में ही रहते कुछ ना कुछ। गिरती और खुश दोनों नहीं है, इसलिए हम आराम से उठे और अभी जो है न्यूट्रिशन कैफ है और आज वो आ जाएंगे। खड़े कर दी है और देखिए कितना प्यारा व्यू है, और जूम करके दिखाता हूँ। ऑसम। तो अभी भाई चल दे वरना कोई बोलेगा रोड के बीच में खड़ी करके क्या कर रहे हैं। गाइस अभी हमारी वर्चुअल मॉर्निंग न्यूट्रिशन कैफे शुरू हो चुका है, जो ऑनलाइन स्टार्टअप कर दिया है हमने। हो चुके हैं, नॉलेज ले रहे, फिर वर्कआउट करेंगे सबकी के साथ। जबरदस्त पसीना आया है, एक नंबर वर्कआउट कर रहे थे फिलहाल, बाकी सारे लोग भी कर रहे थे और ऑनलाइन कर रहे थे, इसलिए शूट नहीं किया। जबरदस्त पसीना आया है भाई, डेली बेसिस पे इतना वर्कआउट करने का बहुत ही मजा आ जाता है। अमरापा, वाह क्या बात है। सो आज के हीरो यहाँ है भाई, आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? वाह क्या बात है, यहाँ आए। हाँ पप्पी ले रही के भाई, क्या बात है। करना का काज धूम के फॉर्म में आए हैं। शेक फ्रेश हो चुका है और अभी पियेंगे टेबलेट्स, जो मल्टीविटामिन है, सेलुलोस है, ओमेगा की है, सारी टेबलेट, मतलब इतनी सारी टेबलेट हम एक साथ में खाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की सारी विटामिन की कमी कम्प्लीट हो जाएगी। सिंपल है, हाथ में लो। सारा काम कंप्लीट हो चुका है और ब्लॉग एडिटिंग करके अपलोड में लगा दिया है, और फिलहाल अभी घर जाने का टाइम हो चुका है। कीर्ति अभी भी नहीं आई है, तो खाना अभी बाहर ही खाना पड़ेगा। सो गाइस जबरदस्त धूप है, गाड़ी की तो वाट लग गई होगी, गरम गरम हो गई होगी, मिट्टी मिट्टी हो गई है। गाड़ी जैसे पुरानी हो गई, महीने से धोई नहीं हूँ, क्लीन नहीं की, वैसा लग रहा है। चलिए गाइस, आग जैसी गाड़ी लग गई है, तवे पे बिठा दिया हो ऐसा लग रहा है, बहुत हीट ले रही है। ऐसे अभी थोड़ी देर में तो काम नहीं करेगा।
ये घर पे खाना खाए या बाहर खाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दाल बाटी खाने जाता था वहाँ पे जाता हूँ, या तो दाल बाटी खाता हूँ या फिर वहाँ पे गुजराती या पंजाबी डिश है, शायद मुझे आइडिया नहीं है, तो वहाँ जाके पता करता हूँ कौन सी डिश है, वो टेस्ट करेंगे आज। ओह माय गॉड, क्या हुआ? देखिए यहाँ तो ये दुकानें बिक गई है। शाम होम डेकोरेट के बाजू में थी, पंजाबी थाली जो लिखी है, शॉप ही खाली करके चलेगी। हमारे भाग्य में नहीं है जो हम खाना चाहते थे, क्योंकि पूरी दुकान ही चली गई। पता नहीं कहीं पे शिफ्ट की है, कहाँ पे शिफ्ट की है, वीआईपी रोड वेसू सीबी पटेल हेल्थ क्लब के बाजू में है, तो अभी वहाँ नहीं हम जाएंगे क्योंकि दूर पड़ जाएगा। भटूरे खाने भी चले जाओ, लेकिन वो अभी फैट वाला नहीं खाना है, एक दो दिन थोड़ा फॉलो करना है। मैं तो अभी मन आ रहा है कि खाली दही और पनीर ले लूँ, घर जाके वही खा लूँ। गाइस अभी सब दुकानें बंद है, अभी पनीर ले लेता हूँ और दही ले लेता हूँ और यहाँ से वेजिटेबल ले लेता हूँ। तो गाइस अभी घर पे आ गया हो और अभी जबरदस्त खाना बनाने वाला हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या है खाने में। यही सब बनाने वाला हूँ, मार्केट में से रेडीमेड गार्लिक ब्रेड मिल गई है, गार्लिक ब्रेड ही बनने वाले हैं जबरदस्त। देखिए कीर्ति नहीं है तो सब रेडीमेड मिल गया है। इसमें डालेंगे केचप मायोनीज और पनीर भी खाऊँगा क्योंकि एक्सरसाइज करता हूँ, तो पनीर और दही ज़रूरी है। सो एक बाउल पूरा दही खा जाऊँगा, ऊपर से थोड़ा सा ही चीज़ डालूँगा, बाकी ये सब डालूंगा और ओरिजिनल की गाँव के घी में ये सब बनाऊंगा ब्रेड। तो गार्लिक ब्रेड अभी थोड़ी देर में रेडी करता हूँ, ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, काम करता हूँ। जबरदस्त आला ग्रांड बनी है और अभी इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर और ओरिगैनो, लेकिन अलग अलग टाइप के बनाए हैं। देखो ओह माय गॉड, पहले ये चार को हम ईटिंग करेंगे। लाजवाब लग रहे यहाँ बिले और खुशबू तो माय गॉड। सो मेकिंग बाय गोपाल आहिर। सो हम सब बनाना जानते हैं, लेकिन कभी कभार क्योंकि टाइम के अभाव के कारण, अभी आप मानोगे नहीं कितना बजे, 1:30 बज गया, तो हम बना तो सकते हैं लेकिन टाइम टेबल नहीं हमारे पास रहता है इसीलिए। सो देखने में इतना प्यारा लग रहा है तो खाने में कितना लाजवाब होगा। सो पहले एक टेस्ट करके आपको बताता हूँ। 2-3 अलग अलग वेराइटी बनाई है, सो पहले तो ये वाला ट्राई करते हैं। ये मायोनीज वाला है, चीज पनीर सब है इसमें। पनीर वाले बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए वापिस 3 ब्रेड और लगाऊंगा और पता नहीं और अच्छा लगेगा तो और खाऊंगा, क्योंकि ब्रेड तो बहुत है। बाकी सारी चीज भी 3:30 बज गया है फिलहाल, और ना तो के अभी रेडी होना है और फिर निकलना है न्यूट्रिशन कैफे। और पहले तो गर्मी जबरदस्त है, तो पूरा एक कप नींबू पानी यानी कि नींबू शरबत पीऊंगा। जितना हो सके इतना नींबू पानी पीना है क्योंकि गर्मी की मौसम है और नींबू पानी बहुत ही जरूरी है। गाइस निकल रहे हैं। आज कोई है न कल कोई है, तेरे यार दा ना कोई कंपटीशन नहीं। जबरदस्त गाने का एंजॉय करते करते अभी हम जा रहे हैं न्यूट्रिशन कैफे। फिलहाल धूप बाहर बहुत ही है, लेकिन हमारी एसी भी थोड़ा थोड़ा काम कर रही है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठंडक दे रही है और मस्त रोड बन गया है। 2 दिन से काम कसता है यहाँ रोड बनने का, तो एकदम क्लास रोड बन गया है। सब इसका एंजॉय करते करते हम जा रहे हैं। 2 जगह पे नहीं गए थे हम कभी भी, एक दो रिलेटिव के घर पे, तो वहाँ पे अभी जाके आएंगे कीर्ति अकेले, तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे आएगी तो मैं उनको ले आऊँगा न्यूट्रिशन कैफे में। अभी जाके हमारी बिजनेस मीटिंग है जो अटेंड करना है। फाइनली आ गए हैं हम ऑफिस पे। यहाँ क्या काम काज हो रहा है? नौकर का कुछ न कुछ काम काज हो रहा है और फिलहाल हम निकल जाए। बड़ा धूप, पूरा फेस जल जाए ऐसी धूप है, जल्दी चलते है ऊपर। जो है 25 से 30 हजार कर रहा है, मैं मानता हूं
कि वहाँ की मार्केट अलग है। मार्केट क्यों अलग है? बिकॉज अभी कीर्ति आ गई है, BRTS में आ रही है, तो अभी हम जा रहे हैं उनको लेने के लिए। जल्दी फटाफट ले आते हैं और ले आने के बाद देखते क्लब में आए गए तो खुश थक गया होगा, तो घर पे छोड़ दूंगा वरना क्लब पे छोड़ दूंगा। हाय हाय खुशी, हाउ आर यू खुशी? वाह इतनी स्मार्ट है। खुशी बोल भी नहीं रहा है। तो कैसे हो कीर्ति? बहुत बढ़िया। कैसी रही जर्नी आपकी? बहुत अभी जाने के टाइम पे तो कोई हैरान परेशान दिखा नहीं था, अभी देखो जाने के टाइम पे भी वही था, जाना पड़ता है। ऐसा घर पे छोड़ो या क्लब पे छोड़ो? जहाँ छोड़ना है छोड़ दो, घर पे छोड़ दो, बहुत अच्छा नहीं है। घर छोड़ दिया है, बच्चे बाहर बहुत सारे खेल रहे हैं और ट्यूशन कैफे भी शुरू है, साथ में हमारी मीटिंग भी शुरू है और 2400 हमारे साथ है, तो पीते हैं और मीटिंग रनिंग लेते हैं, यही काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो घर जाना है लेकिन थोड़ी देर काम करना है, वीडियो एडिटिंग का सारी चीज, अभी नई नई चीज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे वीडियो और भी आने वाले हैं शॉर्ट टाइम में, इसलिए थोड़ा वो भी कर रहे हैं। 9 बज गए हैं और हम घर जाने के लिए निकल गए हैं, अभी घर जाते हैं और हल्का खाना खाना है। कीर्ति को बोला है पनीर का सलाद या कुछ भी ऐसा बना दें ताकि हेल्दी भी रहे। हाय खुशी। तो भाई खुशी भाई यहाँ पे बाहर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, इसके खाने में यही है, ब्रेड है दो और साथ में पनीर का ज़बरदस्त सलाद, यानी कि पनीर चिली टाइप ही है। और मैं तो दही अच्छा लगता है, रात को नहीं खाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं दही खाता रहता हूँ। तो गाइस अभी खाना खाएंगे, खुशी भाई बाहर घूमने जा रहा है और आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल पे नहीं आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस वेरी सून नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गोपालाई ब्लॉग्स।